Good morning, 7th standard. Let's continue chapter 8, fire. For example, we can take away fuel. What we did in our last video, just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. जैसे तीन चीज़ों से आग जलाई जाती है, तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे हम आग बुझाते हैं. पुट आउट मीन्स एक्सटिंग्विश. उनमें से उन तीनों में से अगर एक भी चीज़ जो बर्निंग के लिए नीडेड है, अगर हम उसको रिमूव टेकन अवे रिमूव करते तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल. अगर हम फ्यूल को हटा दें तो द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन. तो फायर के पास कोई फ्यूल ही नहीं बचेगा लेने के लिए, देन नो बर्निंग विल टेक प्लेस. जलना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा. वी ओफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट. अगर हमने आग बुझानी है तो हम उसमें और फ्यूल ऐड नहीं करेंगे. The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. Second way क्या है फायर extinguish करने का, बुझाने का, कि जो ऑक्सीजन उसको सप्लाई हो रही है, हम वो ऑक्सीजन क्या करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देंगे. ठीक है, ऑक्सीजन वहाँ जाने से रोक देंगे. नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो आग भी नहीं जलेगी. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट एट स्मॉल दैट विद अ डैम्प ब्लैंकेट और सैक. जो छोटी छोटी फायर्स हैं सपोज लग जाती है, जो आग लगती है उसको हम कैसे बुझा सकते हैं, स्मॉदर. स्मॉदर मीन्स हम उसको दबा सकते हैं. आग को कैसे दबा सकते हैं, स्मॉदर मीन्स सफोकेटेड, दबा सकते हैं विद अ डैम. गीला डैम मीन्स वेट, गीला गीले ब्लैंकेट के साथ या फिर सैक बोरी उसके साथ हम आग को बुझा सकते हैं. कोई भी चीज़ अगर जल रही है, कोई छोटी सी चीज़ जल रही है, आग लगी है उसके ऊपर हम गीला ब्लैंकेट डाल देंगे या फिर बोरी डाल देंगे जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी और आग बुझ जाएगी. दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटीरियल. इससे जो ऑक्सीजन है वो बर्निंग मटीरियल तक नहीं जाएगी. समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर. कई बार आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की जाती है. डजंट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटीरियल. जो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को बर्निंग मटीरियल तक पहुंचने नहीं देती. ओके, द थर्ड वे ऑफ पुटिंग अ फायर इज टू रिमूव द हीट. थर्ड मेथड क्या है बच्चा, फायर पुट आउट करने का, आग बुझाने का, रिमूव द हीट. हम जो हीट है उसको रिमूव कर देंगे. इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट. अगर जो टेम्परेचर है फ्लैश पॉइंट से नीचे आ जाए तो जो फ्यूल है वो जलना बंद हो जाता है. यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैचस्टिक और अ कैंडल टू पुट इट आउट. कि अगर आप कोई जलती हुई मैचस्टिक है या कैंडल है उसको आप ब्लो ऑन फूंक मारते हो तो वो बुझ जाएगी. इन डूइंग सो, ऐसा जब आप फूंक मारते हो तो क्या होता है, जो फ्लेम के अराउंड हॉट एयर होती है वो हट जाती है. जब आप फूंक मारते हो तो गर्म हवा जो होती है वो हट जाती है, जिससे टेम्परेचर क्या है फ्लैश पॉइंट से नीचे आ जाता है और जो कैंडल है वो बुझ जाती है. कई बार जो वाटर है वो पानी के, जो पानी है वो आग के ऊपर छिड़का जाता है, स्प्रे किया जाता है, जिससे क्या होता है जो पानी है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है. वो जो और बर्निंग फ्यूल के ऊपर जो हीट होती है जिससे टेम्परेचर लो हो जाता है. जब हम किसी बर्निंग मटेरियल के ऊपर वाटर स्प्रे करते हैं तो वो जो चीज़ है वो ठंडी हो जाती है, हीट वहाँ से हट जाती है, टेम्परेचर लो हो जाता है और चीज़ जो है वो जलनी बंद हो जाती है. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. जो ब्लैंकेट ऑफ वाटर मीन्स जो वेट ब्लैंकेट होता है, गीला होता है, उससे भी ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और जो फायर है वो बुझ जाती है. सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर बट रिमेंबर वन थिंग बियर इन माइंड कि कई जो आग है, मतलब कई जगह पे आग जो लगी होती है वो आग पानी से नहीं बुझाई जा सकती. कैसे, कहाँ? If water is sprayed onto the oil fire, oil की वजह से अगर आग लग गई, अगर उसके ऊपर हम पानी डाल देंगे तो क्या होगा,
The oil will flow to the top of the water and continue to burn. जो oil है वो पानी के ऊपर आ जाएगा, top पे आ जाएगा और क्या है वो जलना उसका continue रहेगा. जो पानी है वो oil वाली आग को नहीं बुझा सकता. This can be very dangerous because water can flow quickly. जो oil है वो पानी के ऊपर आ जाएगा, पानी फ्लो करेगा तो ऑयल भी फ्लो करेगा जिससे आग और भी फैलेगी. कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट, इससे बर्निंग ऑयल वो साथ लेके फ्लो करेगा और आग जो है और भी जगह स्प्रेड हो जाएगी. वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड इन फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस. जो पानी है वो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होती हैं जो उनके ऊपर जो आग लगी होती है वहाँ पर भी हम स्प्रे नहीं कर सकते. जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं स्विचेस वगैरह स्विच बोर्ड वहाँ पे हम पानी नहीं डाल सकते. क्या होगा वो पर्सन जो पानी स्प्रे कर रहा होगा उसको शॉक लग जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है. अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर होता है बुझाने वाला, आग बुझाने वाला सबसे अच्छी चीज़ है एक इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए. अगर इलेक्ट्रिकल फायर को हमने एक्सटिंग्विश करना है देन वी शुड यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीस ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स. क्या होता है कि हम हर साल आग बुझाने के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं. इन प्रोसेस में हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज टू प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. और एक तो हम पैसे इसको बुझाने में खर्च करते हैं और क्या करते हैं हम नए तरीके न्यू वेज हम सर्च करते हैं ताकि जो आग है वो लगे ही ना और वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो. On the whole, ultimately, we have learnt rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. Ultimately, हमने क्या सीखा है कि फायर को कैसे कंट्रोल करना है अच्छे से और हमने डेली लाइफ में कैसे इसको अच्छे से यूज़ करना है. Okay, students, next we will complete in our next video. Okay, students.